हेलो दुश्मन को रास्ते लेने यहाँ पे अगर कोई बंदा आता है भगा के किसी को लेके तो ये शादी भी करवा देंगे। ब्राइडल रोमसन भाई फाइनली दुल्हन बनने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू मून व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जब से आपने मेरी वीडियोस लाइक करना स्टार्ट किए, कमेंट करना स्टार्ट किए, ठीक है अंकल वहाँ पर जा रहे, मुझे एकदम से आ गया कि अंकल यहाँ पे आना होगा। जब से वीडियो लाइक करना स्टार्ट किए, चैनल को सब्सक्राइब करना स्टार्ट किया है, तब से मेरी तबीयत तो हो गई है शाहरुख खान की तरह। आज हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं खारियाँ रिवाइव सलोन पे, ठीक है। हम लोग जा रहे हैं खारियाँ रिवाइव सलोन पे, साथ हम लोग मिकू को लेके जा रहे हैं। तो अभी हम उनको पिक करने जाएंगे। गरीबों की मदद कर दी जाएगी यार, आज हमारे साथ चाचू नहीं है तो हम लोग मिस करेंगे, तो अभी चलते हैं। चलो जी। तो ये अभी बदतमीजियाँ कर रही थी मेरे और शर्जील के साथ, तो अभी कहती है कि मैं आपसे नाराज होके बैठ गई हूँ, ठीक है, मैंने आपसे बात नहीं करनी। कहते मुझे घर उतार दो, घर उतार दो। चल शर्जील गड्डी रोक, मैं रोकू इधर साइड पर गली के सामने, ठीक है ठीक है। ओए अपने अपने फैंस की बेइज्जती कर रही है, बात नहीं कर रही उनके साथ। ओए 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 देखे कितनी बेशरम है, गिननी होगी है शर्म इनकी आउंदी। इसको आप लोगों की कदर ही नहीं है गाइस, हमें आप लोगों की कदर है। हमारे चैनल्स पे आए, हमें सब्सक्राइब करें जो हमने अभी बनाए हुए नहीं है। ओ शट अप, अभी हम लोग जा रहे हैं। माशाल्लाह आज बड़ी प्यारी धूप निकली हुई है। सो गाइस ये अभी हम लोगों से नाराज थी और अभी कहती है कि मैं उधर जा रही हूँ, ठीक है, तो आप लोग ना मेरी वीडियो बनाना, मैं मीकू को डराऊंगी। कोई हाल है ना? ओ कुत्ते को देखना हंस रहा है। चुप चुप कोई आ गया, कोई आ गया। हेलो दुश्मन को रास्ते लेने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, की हाल है? ठीक हो ना? खुश हो? बाल बच्चे ठीक ठाक? घर वाले ठीक ठाक? घर वाले ठीक ठाक? घर वाली आई नहीं। सो गाइज मिकू पिकू को हमने गाड़ी में बिठा लिया है, आज माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि बंजारन है। नहीं मेरी एक बात बताओ, ऐसा लग रहा है कि ये दम नहीं प्यारी लग रही है। मुझे एक बात बंजारन चुगियों में नहीं रहती है। मुझे एक बात बताओ, पहले इन्होंने मुझे अपना सामान दिया है, ठीक है, बाप ने मुझे दे दी, मुझे आप लोगों ने क्या? ये सामान तुम्हारा है, तुम्हारा ही है। आप खड़ी चीज मांगती है मतलब? या आपने जो सिल्वर पहनी भी है ना, ये देखें जी, ये अपना नाश्ता माश्ता साथ लेके आए थे। जल्दी करो ना, मिकू इसको कह रही है खोलो। ए बहने खोलो, मैं खोलो इसको, हम उखाड़ सकते हैं, उखाड़ सकते हैं। वाओ इधर मैं बिस्मा की वीडियो बना रही हूँ और बिस्मा मिकू का ब्लॉग बना रही है। अभी हम लोग रिवाइव सलोन पहुँच आए हैं, तो अभी देखें क्या क्या होता है, कौन क्या क्या करवाता है। सो अभी हम लोग अंदर आके बैठ चुके हैं, वो मैम है, ठीक है। माशाल्लाह सलून तो काफी ज्यादा अच्छा है ना मिकू? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। गाइस अभी हम ऊपर जा रहे हैं, जो मेंस का सेक्शन है जहां पे लड़कों के ग्रूमिंग का। हां तो हम सोच रहे हैं कि आपको ना सारा सलून जो है वो विजिट करवा दें। तो गाइस अभी हम लोग मेन वाले पोर्शन में आ गए हैं, अब हम सारा कुछ सारी तरफ दिखाते हैं। लेट्स गो, लेट्स गो। पहले चीज अगर आप साथ में देखेंगे, वो है पूल टेबल। यहाँ पे आप सिर्फ खेल नहीं सकते, अगर आपको कोई रिश्तेदार अच्छा नहीं लगता इसको उसका नाम दे के उसकी टोटली कर देता। लेट्स गो गाइस, दिस इज मसाज रूम, यहाँ पे लोग रिलैक्स होने के लिए आते हैं, तो अभी शरीर का मसाज करवाते हैं। इस चीज की जरूरत है वैसे। हाँ भाई मून आपके लिए, वो साथ आता ना तो उसका मसाज करवा देते। यहाँ पे झूठ को सच और सच को झूठ में बदला जाता है। यार लड़कों के लिए भी काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ गई है ना, बहुत ज्यादा। तो ये बॉयज का सलून है, ये शेरवानी है, यहाँ पे अगर कोई बंदा आता है भगा के किसी को लेके तो ये शादी भी करवा देंगे। गाइज मेन खारियाँ में ना ये रिवाइव सलोन है, तो ये लड़कों वाला पोर्शन है, ठीक है, जो मैं आपको ना अभी विजिट करवा रही हूँ, ये दिखा रही हूँ। तो अभी हम लोग लेडीज सलोन में जाने लगे हैं, तो आपको उसका रिव्यू करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या है अपना? प्लीज नेम बताइए सबको, मेरे फैंस को सबको नेम बताइए। सॉरी तनवीर नबी, माशाल्लाह बड़ा यूनिक नाम है, फर्स्ट टाइम सुना है।
और आप ओनर हैं यहाँ के? सही हो गया। और ये नॉर्वे रहती हैं वैसे, और इन्होंने मुझे बताया कि मैं तुम्हारी वीडियोस देखती हूँ तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, तो मुझे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल नॉर्वे से देखती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। तो अभी बिस्मा आपको विजिट करवाती है बाकी सैलून का? सो गाइस यहाँ पे होते हैं गाइस मेकअप। ये लेडीज पोर्शन में ये दोनों क्या कर रहे हैं? पार्टी बदल लिया साला। अच्छा ये लेडीज पोर्शन है जी, यहाँ पे मैनी पैडी होता है और यहाँ पे हेयर वॉश वगैरह होता है और वहाँ पे मेकअप किया जाता है। ब्राइडल रूम जो है वो अंदर है, तो काफी अच्छा सलून है। क्यों सन? काफी अच्छा सलून है, बस इनकी सर्विसेज स्टार्ट होने वाली हैं, फिर आपको वो दिखाते हैं। गाइस असन भाई को जो है ना, असन भाई का लॉन्ग लाइफ ड्रीम पूरा हो गया, ब्राइडल रूम असन भाई फाइनली दुल्हन बनने लगे हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। सो अभी बिस्मा को चिमड़ी बना दिया गया, ठीक है अभी देखते हैं कि इसका क्या रूप निकल के आता है। सो गाइस अभी मैं नीचे आई हूँ जिम वाली साइड पे, तो मीकू पहले यहाँ पे कब्जा करके खड़ी हुई है। मीकू भी ब्लॉग बना रही थी, बिस्मा और हसन और शर्जील जो है वो अपना काम कर रहे हैं। तो ये इनकी एक जिम है बड़ी शानदार, इनकी झेलम में भी ब्रांच है वो भी बहुत अच्छी है, और यहाँ पे भी इनकी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी जिम है। सो इधर मीकू का मैनी पैडी हो रहा है और इधर बिस्मा वेट कर रही है, उधर हसन बैठा हुआ है वो वेट कर रहा है, और शर्जील जो है वो सेकेंड फ्लोर पर गया हुआ है। शर्जील कैसा लग रहा है तुम्हें? यार बहुत अच्छा लग रहा है, खासकर इन बाइक की वजह से। अच्छा ये कहते हैं ना, थोड़ा सा ऊंचा बोलो। ये कहते हैं मैंने आपकी वीडियोस देखी हुई हैं। अच्छा। मैं आपको काफ़ी पहले से फॉलो करता हूँ, तो ये कहते हैं मैं आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ उसकी वजह से। सो गाइस दिस इज़ द फाइनल लुक, रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया। अगर आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है तो डू विजिट रिवाइव, आप लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा इंशाल्लाह। आप लोगों से मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।